सभी को नमस्कार। निर्वाचन के आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्ड कॉपी, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप और ASD लिस्ट के संबंध में। सामान्यतः नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को निर्वाचक नामावली फ्रीज कर दी जाती है और उसके बाद ही मार्क्ड कॉपी बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। मार्क्ड कॉपी में PB और EDC अर्थात जिनको पोस्टल बैलेट जारी किया गया है या जिनको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया गया है, इनकी मार्किंग की जाती है। यह मार्क्ड कॉपी दो प्रतियों में तैयार की जाती है, एक प्रति RO के पास सुरक्षित रहती है और एक प्रति मतदान दल को दी जाती है। मतदान दल को एक मार्क्ड कॉपी के साथ साथ तीन वर्किंग कॉपीज भी दी जाती है। वर्किंग कॉपीज में किसी भी प्रकार की मार्किंग नहीं की जाती है। मार्क्ड कॉपी तैयार करते समय रिटर्निंग अधिकारी को निर्वाचक नामावली के प्रत्येक भाग के प्रथम और अंतिम पृष्ठ अर्थात हेडर और फुटर पर नियत स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं और साथ ही साथ इसके प्रत्येक पृष्ठ पर इसकी जांच करने वाले अधिकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। मार्क्ड कॉपी के कवर पेज पर RO के द्वारा एक प्रमाण पत्र भी लगाया जाता है जिसमें यह उल्लेखित होता है कि उस मतदान केंद्र में कुल कितने मतदाता हैं, महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है एवं यह जानकारी अंकों और शब्दों दोनों में दर्ज की जाती है। वर्किंग कॉपी वही कॉपी होती है जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसमें मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की मार्किंग नहीं होनी चाहिए। जहाँ सहायक पोलिंग बूथ का निर्माण किया जाता है वहाँ पर गैर प्रासंगिक पृष्ठों को क्रॉस मार्क करके हटाया जाता है। अर्थात मान लीजिए बूथ नंबर 243 में एक सहायक मतदान केंद्र 243A का निर्माण किया गया है और उस बूथ में कुल मतदाताओं की संख्या 1500 है और हमने दोनों मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या का इस तरीके से विभाजन किया है कि मतदान केंद्र क्रमांक 243 में 700 मतदाता एवं मतदान केंद्र क्रमांक 243A में 800 मतदाता हैं। तो सहायक मतदान केंद्र के लिए मतदाता सूची तैयार करते समय उस मतदान केंद्र से संबंधित जो भी मतदाता या सरल क्रमांक नहीं है उनको क्रॉस मार्क करके हटा देना चाहिए एवं मूल मतदान केंद्र में सहायक मतदान केंद्रों के जो मतदाता हैं उनको क्रॉस मार्क करके हटा देना चाहिए। इसके साथ ही साथ सहायक मतदान केंद्रों की चिन्हित प्रति तैयार करते समय उनके कवर पेज पर उस मतदान केंद्र के कुल मतदाताओं की संख्या भी सही सही दर्ज की जानी चाहिए। मार्क्ड कॉपी में PB और EDC की मार्किंग लाल स्याही से बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि सही व्यक्ति के नाम के आगे ही PB और EDC की मार्किंग की जाए, क्योंकि एक बार PB और EDC की मार्किंग हो जाने के पश्चात वह व्यक्ति मतदान केंद्र पर मतदान दिवस को मतदान करने के लिए अपात्र हो जाता है। एक बार जब व्यक्ति पोस्टल बैलेट या निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर देता है और रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा उस आवेदन को मान्य कर लिया जाता है एवं उसके लिए डाक मतपत्र या EDC जारी कर दिया जाता है, तब उसकी मार्किंग निर्वाचक नामावली में PB या EDC के रूप में कर दी जानी चाहिए। भले ही वह मतदाता सुविधा केंद्र में मतदान करने ना आए या फिर जब मतदान दल घर घर जाकर उसका मतदान करने के लिए प्रयास करें तो वो अनुपस्थित ही क्यों न मिले, परंतु उसकी मार्किंग PB और EDC के रूप में हो जाती है। जिस मतदान केंद्र में किसी सेवा निर्वाचक द्वारा प्रॉक्सी वोटर नियुक्त किया गया है ऐसे मतदान केंद्रों में ऐसे क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स की सब लिस्ट भी चिन्हित प्रति के साथ अंत में जोड़कर दी जाती है। अब हम बात करेंगे मतदाता सूचना पर्ची की। मतदाता सूचना पर्ची एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका वितरण BLO के द्वारा घर घर जाकर सभी मतदाताओं को पोल डे के कम 5 दिन पहले पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। मतदाता सूचना पर्ची के प्रथम पृष्ठ पर मतदाता का नाम, रिश्तेदार का नाम, उम्र, उसका मतदान केंद्र, उसकी पोल डेट, पोल का टाइम आदि जानकारियाँ होती हैं एवं पीछे के भाग पर मतदान संबंधी दिशा निर्देश एवं BLO का कॉन्टैक्ट नंबर तथा BLO का नाम दर्ज होता है। मतदाता सूचना पर्ची का बल्क में वितरण वर्जित है। जब भी इसका वितरण किया जाए तब इसकी सूचना बूथ लेवल एजेंट को एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को दी जानी चाहिए, जिससे कि वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित रहकर उक्त प्रक्रिया का अवलोकन कर सकते हैं।
मतदाता सूचना पर्ची जारी करते समय बीएलओ इसे अपने हस्ताक्षर से जारी करेगा एवं इसकी पावती एक प्री प्रिंटेड वोटर्स रजिस्टर में प्राप्त करता है। मतदाता सूचना पर्ची बांटने के दौरान बीएलओ को मतदाताओं को यह जरूर बताया जाना चाहिए कि यह मतदान के लिए पहचान का प्रमाण नहीं है। उन्हें मतदान दिवस को इसके साथ साथ या तो एपिक कार्ड या फिर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पहचान के दस्तावेज लाने अनिवार्य होंगे। अवितरित मतदाता सूचना पर्ची के आधार पर एएसडी लिस्ट तैयार की जाती है और यह एएसडी लिस्ट भी चिन्हित प्रति के साथ मतदान दल को प्रदान की जाती है। एएसडी लिस्ट अर्थात अब्सेंटी शिफ्टेड और डेड वोटर्स की लिस्ट, यह लिस्ट बोगस वोटिंग को रोकने के लिए प्रदान की जाती है। बीएलओ को मतदाता सूचना पर्ची वितरण के दौरान जो भी मतदाता गांव में ना मिले या मृत पाए जाएं या शिफ्टेड पाए जाएं, ऐसे व्यक्तियों के आधार पर ही यह लिस्ट तैयार की जाती है। एएसडी लिस्ट के मतदाताओं की चिन्हित प्रति में मार्किंग मतदान दल को पोल डे के एक दिन पहले कर लेनी चाहिए। यह मार्किंग पेंसिल से संबंधित मतदाता के नाम के पास कर ली जाए, क्योंकि यदि कोई इस लिस्ट का मतदाता मतदान दिवस को आता है तब उसके बारे में पीठासीन अधिकारियों को 3 सावधानियां रखनी होती हैं। पहला तो पीठासीन अधिकारी यह तहकीकात कर सुनिश्चित करे कि वह वही व्यक्ति है जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। संतुष्ट होने के बाद उससे एक निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र भरवाया जाता है एवं वोटर्स रजिस्टर 17A में उसके हस्ताक्षर के साथ साथ अंगूठे का निशान भी प्राप्त किया जाता है। एएसडी लिस्ट तैयार करते समय यह ध्यान रहे कि इसमें अनुपस्थित श्रेणी के मतदाता अर्थात 80+ PWD COVID-19 आदि, इनका नाम किसी भी स्थिति में दर्ज न किया जाए। ये अनुपस्थित केवल और केवल वही मतदाता होते हैं जो मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के नए निर्देशों के अनुसार अब प्रत्येक पोलिंग बूथ में एक वोटर असिस्टेंस बूथ का भी निर्माण किया जाता है और वोटर असिस्टेंस बूथ में बीएलओ मतदान दिवस को अल्फाबेटिकल लिस्ट लेकर बैठेगा और उस लिस्ट के आधार पर वह आने वाले मतदाताओं का सरल क्रमांक पहचानने में उनकी मदद करेगा। यह अल्फाबेटिकल लिस्ट अंग्रेजी के वर्णमाला के आधार पर तैयार की जाती है और इसमें मतदाताओं की फ़ोटो नहीं होती है। इस लिस्ट में केवल मतदाताओं का नाम, रिश्तेदार का नाम, उम्र एवं एपिक नंबर इत्यादि बेसिक जानकारी के साथ साथ उनकी मूल मतदाता सूची में सरल क्रमांक की प्रविष्टि की जाती है। इस प्रकार मार्क्ड कॉपी, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप और एएसडी लिस्ट से संबंधित हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।